नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं मुंबई से आई हुई एक जंग एक्ट्रेस के साथ, जो कि यहाँ पे माता वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए आई हुई है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं उनके फिल्मी कैरियर के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फिल्म परिवर्तन में। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जो फिल्मी कैरियर है वो कहाँ से और किस फिल्म से स्टार्ट हुआ था? मेरा फिल्मी करियर शुरू हुआ था 2011 में रावड़ी राठौर से। अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी जी उस फिल्म के मेन कास्ट में थे। आई वाज प्लेइंग देयर फ्रेंड्स, मैं उनकी दोस्त थी फिल्म में और दो गानों में थी मैं। एंड उसके बाद में मैंने और एक फिल्म की 3G नील नितिन मुकेश के साथ, विच वॉज ए हॉरर फिल्म। उसके बाद में दो मराठी फिल्में की हैं मैंने, गुलाबी एंड आशियाना, एंड एक हिंदी फिल्म और की है जो अब तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो रिलीज़ होगी और वो साउंड कैमरा एक्शन और अच्छी फिल्में इस साल माता रानी के आशीर्वाद से हो जाए। तो टीवी पे, टीवी की स्क्रीन पे हमने आपको गुत्थी, जो सुनील ग्रोवर है जो फेमस कॉमेडियन है, उनके साथ ही हमने आपको देखा होगा, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपको मतलब किस टाइप का रहा है? सुनील ग्रोवर जी मेरे टीचर मतलब ही कैन, वो इतने वंडरफुल एक्टर हैं ना, वो कॉमेडी करते हैं बट वो उससे भी ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं। हर एक कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं वो कि ये सब चीज़ें हम किसी स्कूल में नहीं सीख सकते, किसी किताब में नहीं सीख सकते, लेकिन उनके साथ काम करके हम ज़रूर सीख सकते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, जोक्स, लोगों के साथ का इंट्रैक्शन और हर एक कैरेक्टर को मतलब, एक वो औरत भी बनते हैं, वो एक पागल डॉक्टर भी बनते हैं और एक लड़की भी बनते हैं, और हर एक कैरेक्टर में वो इतना डीपली लाइक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप कभी उनको ये नहीं लगेगा कि नहीं यार ये डॉक्टर सही नहीं है या ये औरत मतलब सही नहीं है, आपको उसे लगेगा नहीं। और लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, उनमें इतनी पेशेंस है। एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है, पेशेंस। 2 घंटे का शो परफॉर्म करने के बाद वो 3 घंटा खड़े रहते हैं लोगों के साथ सेल्फी क्लिक कराने। ये आई डोंट थिंक, मतलब पता नहीं, मेरे में भी तभी इतनी ताकत नहीं आई है कि मैं 3 घंटे सेल्फी खिंचाने के लिए लोगों के साथ खड़ी रहूं, पर ये चीज़ें देखी है मैंने उनमें कि वो बहुत पेशेंस है उनमें, बहुत मतलब वो एक चीज सीखने लायक है। आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो टीवी पे या बड़ी स्क्रीन पे, उनके बारे में कुछ आपको बताएंगे? अभी तक है ना किसी की रिलीज डेट ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। प्रोजेक्ट्स वर्क इन प्रोग्रेस में है, पाइपलाइन में है। और कब तक हम आपको बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं? होपफुली इस साल। 2-3 प्रोजेक्ट्स के डिस्कशन में हैं अच्छे प्रोडक्शन के साथ, तो जब वो एकदम फाइनल स्टेज पे होंगे कि हाँ अब हम प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं, आई थिंक तब उनके बारे में बात करना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक एक क्या कहते हैं, प्लानिंग हम सब करते हैं बट यू डोंट नो कल क्या होने वाला है, तो जब एक रिलीज डेट मेरे पास और हमारी पूरी टीम के पास एक फिक्स हो जाएगी तब हम डेफिनेटली उस पर और बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी। तो ये थी काजल विशेष सिंह, जो कि मुंबई से आई हुई है यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। जम्मू परिवर्तन न्यूज़ से सुशील शर्मा, अभिषेक केसर के साथ।